हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड और वो स्टॉक्स मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा और इतना जबरदस्त शेयर लग रहा है कि आपके पैसे को आने वाले दो तीन साल में लगभग दो से तीन गुना कर सकता है इतना अच्छा स... खासा वो यहां पर दिखाई दे रहा है उसके बिजनेस मॉडल उसके टेक्निकल उसके, उसके फाइनेंशियल सब चेक करते हुए हम नजर आएंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर अवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे इसलिए दूसरे लोगों को भी कनेक्ट कराइए सीखिए

जैसे एक शेयर को चलना चाहिए उस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है ईयर टिल डेट की की इयर्स बात करें तो पर एक अच्छी खासी गिरावट गिरावट भी हमें नजर आती है जो कि 2017 हुई और 50 परसेंट डाउन अभी भी नजर आ रही है शेयर और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न बात करें पंद्रह हजार परसेंट रिटर्न दी है कितने दो रुपए का शेयर हुआ करता था अच्छा खासा भागा उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट है और दोबारा जिस तरीके का विजन और जिस तरीके की न्यूज आ रही है तो ये शेयर और भागता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस शेयर

बात करें कंपनी की तो देखिए बोनस ने भी दिया है नजर आए वो देखते हैं वो तो डिपेंड करता है बट ऐसा कुछ नहीं है नहीं की मिलेगा ही मिलेगा बट अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर के इस शेयर से रिलेटेड तो हम सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए हेरिटेज

दही से लेके दूध से लेके आपको बटर से लेके चीज स्लाइसिस से लेके अः यहाँ पर वैरायटी ऑफ मिल्क से लेके प्रोडक्ट्स बनाते हैं यहाँ पर जिंजर मिल्क टर्मरिक तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए इनका एक वो भी है एप्लीकेशन भी है जो गूगल प्ले या एप स्टोर से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं बट वो केवल किसके लिए तो अगर बात करें केवल हैदराबाद के कस्टमर्स के लिए तो ये साउथ इंडिया में ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर है इस चीज को याद

दो इनके एक बिजनेस नहीं है, दो बिजनेस है एक डेयरी का और एक है रिन्यूएबल एनर्जी का जिसमें यहाँ पर अगर बात करें फूड क्रॉस आ, मतलब छब्बीस करोड़ की इनकी रेवेन्यू टर्न ओवर यहाँ पर दो हजार दिखाई दिया है और इनका अगर बात करें मार्केट प्रेजेंस मतलब पर है आंध्र प्रदेश में ए में तेलंगाना में कर्नाटका केरला तमिलनाडु मतलब और बात करें पर मतलब पूरा का पूरा का इन्होंने साउथ घेर रखा है एज वेल एज महाराष्ट्र उड़ीसा एनसीआर दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर में भी यहाँ पर हरियाणा में राजस्थान उत्तराखंड मतलब ऑल ओवर यहां पर इंडिया में मोस्टली पर कंट्रीज में यहाँ पर दिखाई देता है या तो बात करें इंडिया के नॉर्थ रीजन में या साउथ रीजन में और यहाँ पर कुछ मिडिल इंडिया में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये प्रोडक्ट्स और यहाँ पर अगर बात करें इसके मिशन की तो कंपनी जो बात चाहती है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2024 तक इनका मिशन है कि 600 करोड़ के रिवेन्यू तक ये पहुँच जाए सॉरी 6000 करोड़ के 6000 करोड़ के रिवेन्यू का इनका मतलब है कि लगभग लगभग टू Uh, यहाँ पर अगर 2021 चल रहा है तीन साल के अंदर अंदर तो 2.5x पॉइंट फाइव एक्स इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके हिसाब से अगर uh, शेयर का प्राइस की बात करें तो वो भी

यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है डेयरी में तो काम कर ही रही है एज well तो टोटल कैपेसिटी पावर ऑफ डेयरी प्लांट्स इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब डेयरी के लिए ही ये यूज करते हैं और सिक्स मेगावाट विंड पावर भी यहाँ पर यूज बनाते हुए नजर आते हैं तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं और अगर इसके कुछ शेयर देखे तो मार्केट कैपिटल देखे तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है उन्नीस सौ चौरानवे करोड़ रुपए की कंपनी है बट अगर बात करें इसी वजह से यहाँ पर यह शेयर भागता हुआ गिरता हुआ भी, अभी अभी देखे तो फिर भी फिफ्टी परसेंट गिरा हुआ है अगर बात करें तेरे के पी का काफी ये कंपनी मिल थर्टी वन परसेंट की आर है जो कि सबसे बेहतरीन है डेट की बात करें चार परसेंट का डेट है कोई प्लेजिंग नहीं है तो ये कंपनी अच्छी खासी हमें यहाँ पर नजर आ रही है और एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीजों की तो यहाँ पर देखिए सेल्स सेल्स uh, आपको एक बढ़ती हुई दिखाई देगी 2019 तक फिर उसके बाद एक 2000 uh, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट मतलब एक कंसिस्टेंसी तो नहीं कहेंगे बट एक ही नंबर आते हुए दिखाई दिए 600 uh, 666, 666, यहाँ पर और फिर इसके बाद एक पेंडामिक का सिचुएशन आया और कंपनी दोबारा शुरू चलना शुरू कर दिया और जिस तरीके का मिशन अगर बता रहे हैं अगर कह रहे हैं कि भाई छह हजार करोड़ तक आएंगे तो छे हजार करोड़ तक आने के लिए उन्हें इस तरीके के एक, uh, काम भी करने होंगे तो उसके काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है तो क्या काम करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पर हेरिटेज फॉर्म में इनटू सॉरी फॉर एन टू रेडी टू ईट सेगमेंट मतलब रेडी टू ईट सेगमेंट में ये कंपनी यहाँ पर आ गई है ये पहले योगर्ट वगैरह बनाना शुरू किया था इन्होंने फिर इसके बाद अगर बात करें रेडी टू ईट मतलब यहाँ पर रेडी टू ईट का मतलब क्या देखिए लोग यहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में यहाँ पर माइग्रेट होते हुए नज़र आते हैं और माइग्रेट होते हुए नजर आते हैं है तो यूजली uh, वो अकेला यहाँ पर रहते हैं तो अकेले रहने में उनके पास इतना तो टाइम नहीं रहता कि वो यहाँ पर फूड प्रिपेयर करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर रेडी टू ईट मिलेंगे जैसे कि

और उसमें करना क्या है आपको सिंपल वो प्रोडक्ट डालना है दो तीन मिनट के लिए ओवन या हीट माइक्रोवेव में यहाँ पर गर्म करना है और एक मिनट के अंदर, अंदर अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स तैयार होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके के प्रोडक्ट्स और भी शायद ये फ्यूचर में निकालते हुए दिखाई दे सकते हैं जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि आ जाएंगे और इसी न्यूज की वजह से तो अगर बात करें तो ये शेयर आज की डेट में यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया अगर आठ परसेंट यहाँ पर देखिए न्यूज आई और आठ परसेंट ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया तो इ, इसी न्यूज की वजह से यहाँ पर दिखाई दिया था और बात करें यहाँ पर कंपनी पहले घाटे में थी और अच्छा खासा आप दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है इस चीज को देख लीजिए और बात करें यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस की वो काफी यहाँ पर अच्छी है अगर दो में नौ करोड़ की कंपनी थी अच्छा खासा हजार सॉरी एक हजार मतलब ग्यारह सौ करोड़ के आसपास भी तेरह सौ सोलह सौ सत्रह सौ दो हजार तेईस सौ अच्छा खासा चल रहा था दो हजार सत्रह में आई थिंक क्या होगा आई डोंट आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट आप देख लीजिएगा फिर उसके बाद एक गिरावट आई अठारह सौ फिर उसके बाद दोबारा से चलना शुरू हो गया तेईस सौ चौबीस सौ छब्बीस सौ बट यहाँ पर पेंडेमिक आ गया और इसकी वजह से यहाँ पर इनकी ग्रोथ रुक गई और मुझे लगता है दो हजार चौबीस में जो अगर छह हजार करोड़ कह रहे हैं अगर छह हजार करोड़ भी नहीं पाँच हजार करोड़ भी आता है तो भी शेयर यहाँ पर इनका इनकी रिवेन्यू डबल हो जाती है और इनकी रिवेन्यू डबल हो जाती है तो यहाँ पर शेयर का प्राइस भी ये ही नहीं रहने वाला 400 के आसपास इनका शेयर प्राइस फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर ऑपरेटर इनके प्राइस को फिर यहाँ पर ले जाते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है और यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट वो भी हाईएस्ट अच्छा एवर है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है बीच में यहाँ पर कुछ घाटा होता हुआ दिखाई दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिस तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए अगर इन्हें रिवेन्यू करना है तो ऑब्वियस इसी बात है इन्हें एक्सपेंस पर कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी तो कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर

कैश भी अच्छा खासा है कंपनी के पास और अगर बात करें नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे इकतीस के आर पे कंपनी आ गई है प्रमोटर्स की होल्डिंग थर्टी नाइन परसेंट थर्टी फोर्टी परसेंट के आसपास है एफ आई एस की होल्डिंग चार परसेंट के आस आई की होल्डिंग थर्टीन परसेंट के आसपास है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग में यहां पर इलेवन परसेंट थ्री परसेंट वन परसेंट वन परसेंट अगर इसे हम माइनस कर देते हैं तो लगभग लगभग फिर भी थर्टी परसेंट के आसपास मतलब ट्वेंटी एट ट्वेंटी परसेंट के आसपास की होल्डिंग यहां पर पब्लिक की नजर आती है इस शेयर में और इसके अलावा अगर हम अगर

यहाँ पर अगर बात करें 878 के आसपास आता हुआ दिखाई देता था आज की डेट में ये हाफ प्राइस पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं एक मिनट इसे हम हटा देते हैं यहाँ से ड्राइंग को हम यहाँ पर से रिमूव करते हैं और हम यहाँ पर से इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर ये यह शेयर आया था उसके बाद यहाँ से सीधा जाता हुआ दिखाई दिया तो इसी तरीके का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है बट अगर फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है एक यहाँ पर कप बनाया इसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा शायद और गिर सकता है है शेयर और और थोड़ा सा और गिरता है एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट देने के लिए शेयर तैयार रहेगा और अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न भी देता हुआ नजर आएगा तो अगर यहाँ पर देखते हैं ये शेयर कितने रिटर्न दे सकता है तो जो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो टारगेट आ रहा है वो आपके सामने है लगभग लगभग इतना ही टारगेट है 760 सिक्सटी uh, के आसपास 770 के आसपास जो कि ऑलरेडी इसका ऑल टाइम हाई भी है मतलब सौ रुपये और ऊपर है बट कोई इशू नहीं है अगर बात करें यहाँ पर जब एक बार इसे भी बीट करेगा तो उसके बाद उसे भी बीट करता हुआ नजर आएगा तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए सेवेंटी परसेंट के आसपास का यहाँ पर गेन है क्योंकि शेयर लगभग इतना ही नीचे भी है तो यहाँ पर तो मतलब सत्तर परसेंट नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके देखिए यहाँ पर पहले वॉल्यूम थे बीच में यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं थे गिरता हुआ नजर आता धीरे धीरे दोबारा यहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो गए है और ये शेयर कभी भी यहाँ पर इसको पार कर सकता है मोस्टली अगर बात करें तो एक साल के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी क्रॉस हो जानी चाहिए बट अगर हम बात करते हैं यहां से लेके 2016 से लेके 2017 तक ये नवंबर है और ये भी नवंबर है मतलब एक साल के अंदर अंदर ही यहाँ पर पहुंच गया था और यहाँ पर भी एक साल के अंदर अंदर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कंपनी काफी फंटास्टिक लग रही है अपने आप को ग्रोथ कर रही है नए नए सेगमेंट में ला रही है तो ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकती है बट अगर बाइंग uh, सेलिंग की कोई uh, नहीं है रिकमेंडेशन खुद की स्टडी करिए फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस